जे सिस्टर का नाम वीना है, जे मोदल गांव के रहने वाले हैं। जे सिस्टर की गवाही जे है कि 4 साल से जे सिस्टर को खारिश की प्रॉब्लम हो चुकी थी, जो एलर्जी की, और जब भी जे सिस्टर एलर्जी करते थे तो इनकी जो पूरी बॉडी के ऊपर, इनके हाथ और पाँव में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इनकी बॉडी पर ऐसे पिलकरे जैसे, पानी के जैसे भर जाते थे। हम उस फोटो को देखेंगे और इस हालात में जो सिस्टर बहुत परेशान रहते थे, और जो सिस्टर ने बताया कि इसने बहुत सारी मेडिसिन खाई 4 साल में, और 2 लाख की जो मेडिसिन खा चुके थे, पर फिर भी इस प्रॉब्लम से जो परेशान थे क्योंकि जो अच्छे नहीं थे हो रहे। और जो सिस्टर ने बताया कि जब भी गर्मियों के दिन होते थे तो जो कपड़े पहनने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि पूरी बॉडी में ऐसे जख्म हो जाते थे जब वो पानी भर जाता था, तो जो फटते थे तो जख्म होते थे, तो इससे जो बहुत परेशान हो चुके थे। तो जब जो सिस्टर आरआर मिनिस्ट्री में आए तो जिस सिस्टर ने वचन को सुना और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो जिस सिस्टर ने अपनी प्रॉब्लम को पेपर के ऊपर लिखवाया और प्रभु के दास ने ले हैंड प्रार्थना की। आओ हम उस ले हैंड क्लिप को देखते हैं। जिस सिस्टर ने बताया कि अभी 1.5 महीना ही हुआ है कि इस प्रॉब्लम से, पूरी बॉडी से जो परमेश्वर ने, जो प्रॉब्लम थी, सिर्फ उसके दाग ही रह गए हैं, बाकी परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको टोटली फ्री कर चुके हैं। सुनो 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 जी, इस गवाही से पता चलता है, बोलो, इस गवाही से पता चलता है कि परमेश्वर के लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं। क्या है? और परमेश्वर सबके जीवन में वो अपने काम करना चाहता है। क्या है? सबके हालातों को परमेश्वर दूर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? सबके हालातों को वो दूर करना चाहता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए किसी का काम कोई फड़ा नहीं। परमेश्वर ने जो मेरे मन में इसकी गवाही को लेकर लगाया कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो प्रभु में हैं और लंबे समय से हैं, जहां उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, जहां करवाई, पर उनका फिर भी काम नहीं हुआ। तो मेरा आज विश्वास है कि जो खुदा ने मुझे इस बात के लिए अगुवाई की है, मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करूंगा, जितने भी ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इससे पूछती हूं। तो क्या नाम है तेरा बच्चे? क्या नाम है तेरा? रीना। रीना, रीना। हाँ जी। ओके। आपको ये बीमारी 4 साल से थी। हाँ जी। आपको जब इस प्रॉब्लम में थे, ये पिलकरे, पिलकरे बोलते हैं ना, ये एलर्जी की बीमारी है, पिलकरे जिसमें पानी भर जाता है, ये पूरी बॉडी पे हो जाते थे? हाँ जी, पूरी बॉडी पे। हाँ जी। अभी हमने इसकी सिर्फ हाथ और पांव की फोटोस ली है, पर इसकी पूरी बॉडी पर वो पानी के जो पिलकरे ऐसे भर जाते थे इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से, और जब वो पानी के पिलकरे जब फटते थे तो वो जख्म बन जाता था। क्या बन जाते थे? जख्म। और उसकी वजह से जब ऐसे आप कपड़े पहनते तो कैसे कैसे लगता था तब? जुड़ जाते ही सर जी। अच्छा, ओके, कपड़े ऐसे तन के साथ जुड़ जाते थे, है ना? तो आपको कैसा फील होता था तब? कैसा आप सोचते थे अपने मन में? क्या सोचते थे? परेशानी आ जाती है। अच्छा, मतलब ऐसे परेशानी आ जाती है, और आप क्या सोचते थे कि ये बीमारी मेरी जाएगी कि नहीं, क्योंकि आपने इस बीमारी के लिए 2 लाख रुपया खर्च कर दिया। हाँ जी।
तो क्या सोचते थे कि मैं कहां से चंगी होगी, ऐसे सोचते थे कुछ? हाँ जी, मैं सोचती ही मैं चंगी होना ही नहीं है लगता। हाँ, ये सोचते थे अपनी इस बीमारी को लेकर के, शायद मैंने अब जैसे बाइबल में लिखा ना, 12 साल की स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, जिसने अपना सारा पैसा, बोलो, जिसने अपना सारा पैसा अपना बीमारी के ऊपर खर्च कर लिया, और एक लास्ट एक वैद्य के पास गई, उसने कहा मेरे पास तेरे चंगाई के लिए, तेरे चंगे हो जाने के लिए मेरे पास अब कोई दवाई नहीं बची। क्या नहीं बची? और वो निराश होके आ गई, वो निराश होके आ गई और जा रही थी, और बाहर जब आई वैद्य की, है ना, जैसे शॉप कह लो या दुकान कुछ भी, तो जब वो आई तो भीड़ एक जा रही थी, और उस भीड़ की, वो भीड़ थी, और उस स्त्री ने पूछा ये भीड़ क्यों है? एक बंदे ने बताया तुझे नहीं पता जो छा रहा है वो यीशु नासरी, क्या है, और जितने लोग ये भीड़ इसलिए, जितने लोग उसे छू लेते हैं वो क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसे ही ये सोचती थी कि शायद मैंने चंगे नहीं होना, पर चंगा करने वाला कौन है? चंगा करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके लिए इस दुनिया में कोई भी काम किसी का बड़ा नहीं है। क्या है? किसी का काम भी बड़ा नहीं है। इसलिए आओ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, मुझे खास परमेश्वर ने अगुवाई की है, जो अभी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, जब बाद में देखें, मेरा विश्वास है कि आज जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, निश्चय परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार का हालात, प्रॉब्लम, इवल स्पिरिट से, कैसी भी बीमारी है, उन्हें कुछ भी चाहिए, आज परमेश्वर आज मेरे इस प्रेयर के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम करने वाला है। इसलिए आओ अपनी आंखों को बंद करो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन्द, मैं तेरे लोगों के लिए मेरे परमेश्वर, जो तूने अपने दास के मन में इस बात को लगाया, खुदावन्द मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो दुखों में, जो हालातों में, कर्ज के नीचे, जो डिप्रेशन में, मेरे परमेश्वर जिन्हें इवल स्पिरिट तंग करती है, जो घेंट ही के रोगी हैं वो आजाद हो जाएं, जिनके स्पाइनल कोड खराब हैं वो फ्री हो जाएं, जिन्हें बवासीर है, पेट में इंफेक्शन है, पेट के रोग हैं, हार्ट के रोगी, हार्ट की जिनकी नाड़ियां ब्लॉकेज हैं वो फ्री हो जाएं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं इसी समय, जिनके घुटने काम नहीं करते उनके काम करें, जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जिन्हें सर्वाइकल है, शुगर है, कैंसर है, बीपी के रोगी, हर तरह की बीमारी आपके जीवन से जाती रहे आज, हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, जाती रहे इसी समय, जाती रहे, जो व्हील चेयर पर है, जो बेड के ऊपर है, जो व्हील चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, जिनसे चला नहीं जाता, जिनके कान बंद है, जिनकी आंखों में काला मोतिया चिट्टा है, जिनकी आंखों में किसी भी प्रकार के रोग हैं, वो हर रोग, चाहे कानों के हो, चाहे आंखों के हो, जिनके वो अच्छाते रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, बंद जबान खुल जाए यीशु के नाम से, आमीन, गले के रोग से आप फ्री हो जाओ, आमीन, गले के रोग से आप फ्री हो जाओ, गुप्त रोग से आपके गुप्त रोग छाते रहे, आमीन, बंद पीरियड खुले यीशु के नाम से, आमीन, जिनके बहनों के शैतान ने गर्भ को बंद किया है, वो हर गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से, आमीन, वो हर गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, रिसीव करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपके ऊपर कर्ज से है, आपका कोई काम बनता नहीं है, आप लंबे समय से बीमारी में हो, आप सोच रहे हो, आपने बहुत सी प्रार्थनाएं की कराई, पर ये एक खास खुदा की ये अगुवाई है,
रिसीव करो, ग्रहण करो, धन्यवाद के साथ कहो कि परमेश्वर तू मेरे, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा मैं तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुका हूं, हो चुका हूं। यह बीमारी का मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बोलो बोलो बोलो, बीमारी का मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, शैतान का मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जिन बहनों के पति नशा करते हैं, जिनके बच्चे नशा करते हैं, वो हर अंधकार की, नशे की दुष्ट आत्माएं आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, आपके पति के जीवन से छाती रहे इसी समय, राइट नाउ, इसी समय वो नशे की दुष्ट आत्माएं छोड़े। जिन घरों में कलेश हैं, जिन घरों के कलेश हैं, वो कलेश की दुष्ट आत्माएं आपकी फैमिली से छाएं इसी समय, छाएं इसी समय, छाएं इसी समय, छाएं इसी समय। जिनकी जो लोग हॉस्पिटल में वो फ्री होने वाले हैं, वो फ्री होने वाले हैं, वो आजाद होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं, वो आजाद होने वाले हैं। जो सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आज उनके काम होने वाले हैं, जो सोच रहे हैं उनके काम होने वाले हैं। आमीन। वो गवाही के साथ आने वाले हैं। आमीन। वो गवाही के साथ आने वाले हैं। आमीन। गवाही के साथ आने वाले हैं। आमीन। आप एक सिर के रोग से फ्री हो रहे हो, आप सिर के रोगों से फ्री हो रहे हो। आमीन। मैंने कहा आप सिर के रोगों से फ्री हो रहे हो। आमीन। फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पेट के रोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, गुप्त रोग से आप फ्री हो रहे हो। आमीन। जो आपकी बॉडी में एलर्जी है उससे आप फ्री हो रहे हो, एलर्जी से आप फ्री हो रहे हो, एलर्जी से फ्री हो रहे हो। आमीन। एलर्जी से आप फ्री हो रहे हो। आमीन। धन्यवाद के साथ कहो कि परमेश्वर, धन्यवाद के साथ कहो कि परमेश्वर तू महान है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। ग्रहण करो, रिसीव करो। आपकी कैसे भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आपको गंदे सपने आते हैं, आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, हर व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं जो आपके मन में बुरे विचार पैदा करती है, यीशु के नाम से ऐसी अंधकार की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़े और चली जाए। राइट नाउ, इसी समय छोड़े और चली जाए। आमीन। छोड़े और जाए। आमीन। आप उन विचारों से सेफ हो जाओ। आमीन। मैं फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यस, जो आपके मन में बुरे विचार आते हैं उससे आप फ्री हो जाओ। आमीन। जिनकी बॉडी में वीकनेस है, जिनकी बॉडी में वीकनेस है, वो हर प्रकार की वीकनेस जाए। आमीन। आपके यूट्रस में रसौली है, आपके पेट में रसौली है, आपके पत्थरी है, आपके रसौली, आपके गिल्टी है, उसे आप आजाद हो रहे हो। आमीन। उसे आप आजाद हो रहे हो। आमीन। उसे आप आजाद हो रहे हो, उसे आप आजाद हो रहे हो। आपकी बॉडी के ऊपर कैसा भी पुराना जख्म क्यों नहीं है, आपकी बॉडी के ऊपर कैसा भी पुराना जख्म क्यों नहीं है, आज उस जख्म से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज उसे आजाद हो जाओ। जिनके हड्डियां, जिनके अंग काम नहीं करते, जो पैरालाइज के मरीज हैं, उनके अंग काम करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जिनके अंग काम नहीं करते, पैरालाइज के अंग काम करें। आमीन। काम करें। आमीन। मरे हुए अंग फिर से जी उठे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मरे हुए अंग फिर से जी उठे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जी उठे, जी उठे, जी उठे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद के साथ कहो कि परमेश्वर तू महान परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन, जो बात तूने अपने दास के मन में लगाई, रिसीव करो और ग्रहण करो कि मैं चंगी, मैं चंगा हूं। बीमारी का मेरे ऊपर रसौली, जितने रसौली के मरीज हैं, रिसीव करो, ग्रहण करो। जिनके पथरी हैं, बाबा सिर के रोगी, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। ग्रहण करो इस वचन को, आप आजाद हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम से। आप आजाद हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। आमीन। आपके अंग काम कर रहे हैं। आमीन। आज से आपके अंग काम करें। आपकी हर प्रकार की इन्फेक्शन आपके फेफड़ों में, आपके पेट में, जो शैतान ने आपको थी, वो हर प्रकार की इन्फेक्शन अपने आपके फेफड़ों में, जो इन्फेक्शन है,
बंद फेफड़े खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद के साथ रिसीव करो, ग्रैंड करो। आप हील हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। जिनकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती, जिनसे झुका नहीं जाता, वो झुके। यीशु के नाम से आप फ्री हो रहे हो। आज हर प्रॉब्लम से आप आजाद हो रहे हो, आप हर प्रॉब्लम से आजाद हो रहे हो। जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, जो चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा रिश्ता खुदावंद की ओर से है, रिसीव करो, रिसीव करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। जो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, जो उसकी सेवा करना चाहते हैं, जो उसके प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के दान को पाना चाहते हैं, राइट नाउ आज उनके ऊपर होली स्पिरिट को मैं रिलीज करता हूं। मैं होली स्पिरिट को उनके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। आप होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओ, आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आप सबके लिए सब कुछ कर चुके हो, आप सबके लिए सब कुछ कर चुके हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आप सबके लिए सब कुछ कर चुके हो, आमीन। सब सबके लिए सब कुछ कर चुके हो। जिनकी सांस फूलती है, वो सांस फूलने वाली दुष्ट आत्माएं, जिनकी सांस फूलती वो हर वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़े और चली जाए, आमीन। आपको सांस फूलने की बीमारी से आप आजाद हो जाओ, आप फ्री हो जाओ, आप चंगे हो जाओ, आप फ्री हो जाओ, आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, आमीन। आप फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ। इविल स्पिरिट के अटैक जो आपके ऊपर आते हैं बार बार, उससे मैं आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आजाद करता हूँ, आजाद करता हूँ। लकोरियां आपको छोड़े और आप आजाद हो जाओ, आमीन। जिनकी बॉडी में कम खून है, आज से वो खून भरे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप हर रिपोर्ट से नॉर्मल आओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप हर रिपोर्ट से नॉर्मल आओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद तेरे लोगों के लिए, मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि जो जो मैंने कहा अब सबके लिए सब कुछ कर चुके हो खुदावंद। तेरे लोग मेरे परमेश्वर बड़े गवाहियों के साथ आ चुके हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा तू ऐसा कर चुका है हर एक के लिए, एक एक के लिए परमेश्वर तू कर चुका है, क्योंकि तू हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और मर के जी उठाए। तूने हमारे तमाम दुखों को, बीमारियों को क्रूस पर ले लिया, और तेरा वचन बताता हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हैं। यस परमेश्वर, आज तेरे सब लोग अच्छे हो चुके हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं श्वास करता हूँ, मैं श्वास करता हूँ, मैं श्वास करता हूँ। जैसे परमेश्वर ने इस बच्ची को अच्छा किया, दिखाऊं अपने हाथ ऐसे लोगों को, दोनों ऐसे करके दिखाओ, झूम करो कैमरा और दिखाओ लोगों को। हाँ, ये देखो, ये इसके देखो उंगलियों पर कैसे निशान है, इन्हीं इसके दिखाओ, पूरा हाथ दिखाओ। हाँ देखो कैसे ये धाग बने हुए, इन्हीं उंगलियों पर, हाथों पे, बॉडी पे, पैरों पे। ये पिलकरे जब बनते थे तो पैरों ऐसे, पैर के ऊपर ये पानी ऐसे भर जाता, जब फटते थे तो जख्म बनता था। इससे पूछो इसका, इसकी क्या हालत थी। ये 4 साल से, बोलो, मेरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने आस इसे पूरी रीति से फ्री किया, परमेश्वर हर एक को कर चुका है, हर एक को कर चुका है। मैंने कहा हर एक को कर चुका है, उसकी कैसे भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उसे कुछ भी जो चाहिए परमेश्वर हर एक के लिए कर चुका है, आमीन। हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, छोटा सा बोलो, एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे आज प्रभु की महिमा के लिए। हाँ गाइए थोड़ा सा। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा, मैं देवांगा सदा। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा, मैं देवांगा सदा। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा
सदा गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा देवांगा सदा मैं देवांगा सदा जीवन दा सोमा तू है बैंदा होया सोमा तू है जीवन दा सोमा तू है बैंदा होया सोमा तू है जीवन दा सोमा तू है बैंदा होया सोमा तू है जीवन दा सोमा तू है बैंदा होया सोमा तू है गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा देवांगा सदा मैं देवांगा सदा गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा देवांगा सदा मैं देवांगा सदा गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा देवांगा सदा मैं देवांगा सदा गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा देवांगा सदा मैं देवांगा सदा मैं और जितने लोगों का ये भरोसा है ये विश्वास है कि मेरे पापों के लिए कौन क्रूस पर मरा कि उसने हमारे तमाम दुखों को बोलो हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया और हम फ्री हैं बोलो हम फ्री हैं पूरी रीति से हम फ्री हैं शैतान का बीमारी का रसौली पत्थरी कुछ भी आपके आप पैरालाइज के मरीज हो आप व्हील चेयर पे हो आपसे उठा नहीं जाता आपसे चला नहीं जाता आपसे झुका नहीं जाता आपको आंख से दिखता नहीं कान से सुनता नहीं परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर चुके आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन